हेलो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा हिमाचल स्टडी के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं आपके सामने रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कैलेंडर। तो इसी के बेस पे मैं आपको लेके चलता हूं किस तरह से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो पहले मैं आपको जो बेसिक होगा वो समझाऊंगा, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर पेपर आए होंगे क्वेश्चन वो डिस्कशन करूंगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको कंसेप्ट की तरफ आता हूँ। इसमें बेसिकली कोड्स होते हैं कि जैसे मंथ्स के कोड होंगे और ईयर के कोड होंगे। तो मैं बताता हूँ, जो बेस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये हो गया आपके डेज के कोड, मंडे 1, ट्यूसडे 2 और संडे को लास्ट में 7 और 0। तो संडे का कोड है मतलब या तो 7 हो सकता है या 0। तो आगे मैं आपको लेके चलता हूँ जो मंथ के कोड आपके। बेसिकली जो मैं कोड लिखने जा रहा हूँ ये तो आपको ये याद करने पड़ेंगे ना। तो ये 0 का होगा जनवरी का, 0333 है एक कोलकाता का एसटीडी कोड है, तो इस तरह से याद रखा जा सकता है या पीसी के नंबर के थ्रू आप याद रख सकते हो इसको। मैंने तो ऐसे याद रखा है 0333 5614625। तो ये सब आप अपनी नोट्स बुक में उतार लीजिए और मैं इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ ना। ये उतार लेना, मैं इसको क्लियर करने लगा हूं। अब मैं एक शॉर्ट्स फॉर्म में लिख देता हूं यहां पे। आप इसको ट्रिक की तरह याद कर सकते हो 0333 6146 25 05। तो ये याद हो गया। तो इसी के बेसिस पर मैं कंसेप्ट लेके चलता हूँ आपको कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ मैं 26 जन 1950। इसमें जो फॉर्मूला आपका यूज होगा
सेवन हो गए। तो इसमें आपको पता ही होगा लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर होता है वो चार साल में जो चौथा साल होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। मतलब तो जैसे कि 1901 से ले लेते हैं, जो 1904 होगा वो होगा लीप ईयर। मतलब जैसे जनरल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो इसी के बेस पे जो लीप ईयर आएगा इसको कैसे निकालना है बताता हूँ मैं आपको। डेट होगी 26 आपकी, मंथ मंथ का क्या कोड है आपका, मंथ कौन सा आया जन, जन जीरो। इसमें एयर होगा जो उसके लास्ट दो डिजिट, ये जैसे 1950 है 1950 के लास्ट टू डिजिट 50, तो यहाँ पे 50 लिखना। और लीप ईयर, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 1950 में कितने लीप ईयर होंगे, जो हमने 50 लिया इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर से हमें कुछ नहीं लेना देना, इससे आपको लीप ईयर आ जाएंगे 12। जो आपके इसमें 1950 में लीप वर्ष आए वो आए 12, तो यहाँ पे 12 लिखो डिवाइड बाय 7। अब सिंपली इसको 88 को 7 से डिवाइड कर दो, जो आपका रिमाइंडर आएगा तो उसको लेना हमने, जो इसमें रिमाइंडर आया आपका 4। तो ये जो 4, ये देखना कि डेज में कौन सा कोड था। 4 मतलब जो आपको 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था उस दिन। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 26 अप्रैल 1910 को कौन सा डेट था, तो इसी तरह के पेपर में आते हैं। और बस आपको ये एक ये फार्मूला और ये कोड से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं है, ये याद होंगे तभी आप कर पाओगे। तो इसी के बेस में मैं आगे क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका, 10th मार्च 1989 को कौन सा डे होगा, कौन सा दिन होगा। इसमें बस वही कंसेप्ट लगेगा, वही फार्मूला लगेगा और उसके बेस पे ये क्वेश्चन होगा। पहले डेट 10th प्लस मंथ का कोड मार्च। अब एयर लेते थे 89, अब देखना कि 89 में कितने लीप वर्ष है, उस लीप ईयर है, तो 89 को 4 से डिवाइड कर लो। तो रिमाइंडर से हमें कुछ नहीं लेना है, 22 आ गया आपके पास डिवाइड बाय 7। अब 124 को 7 से डिवाइड कर दो, 124 ये आपका आ गया रिमाइंडर। और 5th ये आपका डेज का कोड कौन सा है, 5th ये, तो 10th मार्च 1989 को होगा फ्राइडे। बस इस तरह किस इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप मैं इसे एक मिनट में कर सकोगे। और ये फ्री के क्वेश्चन है, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको एक बार किए हो ना कंसेप्ट पता हो तो एक सेकंड नहीं लगता करने के लिए। तो एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने इसी के बेस पे लेके चलता हूँ। Thank you.
इसमें जो डेट आई वो 21 प्लस जून 4 35 और 35 जो लीप ईयर निकालोगे वो 34 8 डिवाइड बाय 7 इसमें जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5 तो 5 आपको पता ही है कि थाइरॉइड और थायराइड जो तो 21 जून 1935 को जो डे होगा वो फ्राइडे होगा और ये जो ट्रिक थी ये थी 1900 से लेके 1999 तक तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसी वीडियो का वो होगा 2000 से लेकर 2099 तक तो उसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस है बाकी सब सेम है थोड़ा सा चेंजेस होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा कि उसमें क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन और मैं उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कशन करूंगा जो पेपर में आए हुए हैं तो थैंक यू जी के साथ आज का कंसेप्ट खत्म हुआ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू।